बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है, पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपके किताब में उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना, तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले दो दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे, और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद कक्षा 10 के पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम विज्ञान का पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और अंतिम में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में बिहार के कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। कोई देख लेना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। घर बैठे बैठे ना बोर हो गया हूँ मैं। मैं क्या बोलता हूँ, बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल चलते हैं अनजानी रास्तों पर असली दुनिया को करीब से देखने। हाय। एक्चुअली क्या सॉलिड आइडिया यार, मैं भी थक गई हूँ ये कंप्यूटर के साथ बैठ बैठ के, कमर टेढ़ी हो गई है। आराम से। अगर यही काम करती नहीं है ना तो मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेट्स गो यार। हाँ चले, चलते हैं। तो बस चल, मुंह पे मास्क, जेब में सैनिटाइजर और निकलते हैं। वैसे इंडिया में कुछ सालों से टूरिज्म का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है, टूरिज्म को लेकर जॉब्स भी बहुत बढ़ गए हैं। वैसे टूरिज्म को लेकर कोई स्टार्टअप शुरू करना यंगस्टर्स के लिए कई सारे रास्ते खोल देता है आजकल। जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर अंदर और कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ युवा अपना करियर बना सकते हैं। टिकट बुक करने से लेके लोकल ट्रांसपोर्ट प्लस अकोमोडेशन बुकिंग तक, आप एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ एक स्टार्टअप खोल सकते हैं और अपने करियर को नए आयाम दे सकते हैं। आजकल लोग ना वेकेशन पे होटल से ज्यादा होम स्टे में रहना पसंद करते हैं, यानी किसी और के घर पे, या मतलब किसी आम नागरिक के घर में भुगतान पर मेहमान बनकर रुकना पसंद करते हैं, लोकल ऑटो रिक्शा में घूमना चाहते हैं, लोकल खान पान का सेवन करना चाहते हैं, लोकल फोर्ट और ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं, लोकल ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, घूमने के लिए लोकल गाइड की मदद लेना चाहते हैं। लोगों की पसंद समय के साथ जो है बदल सी चुकी। इसी बात पर हमने दिल्ली के एडवेंचर्स ओवरलैंड एक एडवेंचर टूर कंपनी के साथ बात की। ये लोग आपको बताएंगे कि एडवेंचर कंपनी चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं उनसे बातचीत की एक झलक। हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार अग्रवाल है। हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय मदान, और मैं वो पहला भारतीय हूँ जो 2010 में लंदन से गाड़ी चलाकर दिल्ली आया था,
और मैं वो पहला भारतीय हूँ जिसने दुनिया की सबसे छोटी कार टाटा नैनो को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला पास जो लद्दाख में है ट्रैक किया। और हम दोनों वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले दुनिया के 50 देशों को 90,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर देखा था। और पिछले कुछ सालों में हमने 16 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं पूरी दुनिया में गाड़ी चलाकर। और हमने कुछ ऐसी किताबें भी लिखी हैं जिनको पढ़कर आप ये सीख सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चलाना कैसे मुमकिन है। पूरी दुनिया में गाड़ी चलाने के बाद हमने ये सीखा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर प्लेन और ट्रेन से जाना संभव नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का सबसे अच्छा तरीका गाड़ी से है। और ये सोचकर संजय और मैंने कंपनी बनाई जिसका नाम है एडवेंचर्स ओवरलैंड। और जो लोग गाड़ी से पूरी दुनिया देखने का सपना रखते हैं, एडवेंचर्स ओवरलैंड उनका वो सपना पूरा करने में उनकी मदद करती है। मुझे लगता है कि टूरिज्म की दुनिया एक विशाल समुंदर जैसी है। जैसा एक किनारे से दूसरा किनारा देखना मुश्किल है, लेकिन जिसने ये बीच का गैप ढूंढ लिया वो टूरिज्म को लेकर एक सफल उद्यम शुरू कर सकता है जहां वो अपने जैसे हजारों लोगों को नौकरी भी दे सकता है और उनकी जिंदगी संवार सकता है। लेकिन कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आपका आइडिया और तरीका बाकी लोगों से अलग है। जैसे मुझे पर्सनली एक चीज नहीं पसंद है कि लोग प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे सुंदर जगह भी बदसूरत बन जाती है। एग्जैक्टली। और हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे युवा क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। वे जानते हैं और वे सही और पक्का शोध करना चाहते हैं अपना बिजनेस खोलने के पहले। ऐसे ही दो नौजवानों ने हमसे कुछ सवाल पूछे, आइए देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम आदर्श है, मैं पटना में रहता हूँ और मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं DIY शो से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे जैसे युवा जलवायु परिवर्तन में सुधार करना चाहेंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैविक खेती से जलवायु परिवर्तन को कैसे ठीक किया जा सकता है। शुक्रिया। अगर आज के समय में हमारे ऐसे युवा पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा। देखिए आदर्श, पहले तो आपको जागरूक रहना होगा। आप हर रोज हर मिनट जागरूक रहे कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या आप मोटरबाइक या गाड़ी को छोड़कर पैदल या साइकिल पर बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या आप अपना सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने में सक्षम हैं? बिल्कुल हैं। आप अपनी लाइफ में इन छोटी चीज़ों पर गौर करो और एक्शन, फिर धीरे धीरे जो भी आपके आसपास हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करो कि वो भी हर पल पर्यावरण हितैषी सोच रखें। शिप्रा, उम्मीद है कि आपने गोइंग टू स्कूल की ग्राफिक नॉवल द लास्ट शो पढ़ी होगी। ये अगर नहीं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वो ग्राफिक नॉवल पहुंचा देंगे। इसमें जैविक खेती के बारे में सभी आवश्यक जानकारी है। ऑल द बेस्ट। पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करने के लिए आप उन लोगों से मिलें जो आपके आसपास रहते हैं और एक पर्यावरण हितैषी बिजनेस चलाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ई रिक्शा ड्राइवर, सौर ऊर्जा एनर्जी या कोई महिला उद्यमी। उनसे मिले, सवाल पूछें, अपनी नोटबुक में बहुत सारे नोट्स बनाएं, उनका इंटरव्यू वीडियो पर लें, उनसे ढेर सारे सवाल पूछें और जाने कि वो कैसे बिजनेस अपना चलाते हैं। अच्छा, हमारे आज के टॉपिक यात्रा और पर्यटन पे लौट जाते हैं। पर्यटन नहीं, पर्यटन। पर्यटन, अरे तन, तन मतलब तन, बदन वाला तन, ये टन है, टन 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 टन, वो वाला पर्यटन। ओके ओके प्रोफेसर साहब, बोलो। यात्रा और पर्यटन, करेक्ट। ओके, लौट जाते हैं हमारे टॉपिक पे, यात्रा और पर्यटन। आज पूरी दुनिया घर बैठे स्टेकेशन मना रही है। स्टेकेशन यानी छुट्टियों का वो समय जब पर्यटक विदेश ना जाकर स्वदेश में रहना पसंद करते हैं, या ऐसा समय छुट्टियों का जब वो घर में रहते हुए दिन के वक्त स्थानीय आकर्षणों का मजा लेते हैं। अगर आपको सही में स्टेकेशन का आनंद लेना है तो सबसे पहले आप जिंदगी में ऑफलाइन चले जाओ, क्योंकि ऑनलाइन रहने से आपका बहुत समय बर्बाद होता है। जी हाँ, घर बैठकर नए टैलेंट सीखें, जैसे कि बाथरूम में गाने गाना, मतलब बाथरूम साफ करना, केक बेक करना, किताब पढ़ना। लेकिन जिंदगी का असली मजा बाहर जाने में ही है।
जंगल, पहाड़, नदियाँ, समंदर, यही है इंसान के असली दोस्त। टूरिज्म अब एक नया मोड़ ले रहा है जिसका नाम है इको टूरिज्म। होटल्स और गेस्ट हाउसेस से अच्छा किसी लोकल होम स्टे में लोकल फैमिली के साथ रहना बेटर है, अगर वे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करते हो, जहां का लंच लोकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में उगे हुए वेजिटेबल से बना हो। और अगर आप कहीं साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं तो हाथी या घोड़े पे नहीं, पैदल जाओ या फिर कोई साइकिल किराए पर लेकर जाओ, मतलब बनता है ना उसका। सुवनियर्स यानी यादगार तोहफों के रूप में कोई ऐसी वस्तु ना खरीदो जो प्लास्टिक की बनी हो। ये सब फॉलो करने से आप इको टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे और इको हॉलिडे का संदेश सबको देंगे। आज हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है काव्या मदप्पा। आप क्या, तुम काव्या मदप्पा हो? मैं काव्या मदप्पा नहीं हूँ, मैं काव्यल सिदानी हूँ। लेकिन ये जो हमारी गेस्ट है काव्या मदप्पा, ये बहुत ही स्पेशल है। आप इनसे पहले मिले हैं हमारे शो में, वो अपना खुद का एक इको रिसोर्ट चलाती है एक जंगल के अंदर। काव्या सिर्फ ट्री फ्री पेपर ही नहीं बनाती, वो इको रिसोर्ट और इको टूरिज्म को प्रमोट भी करती है। ये है उनकी स्टोरी। 12 साल हो चुका है, यह लगभग 16.5 एकड़ है और हमारे पास 300 प्रजातियों के पौधे हैं और हमारे पास पक्षियों की लगभग 75 प्रजातियां हैं। इस तरह से यह एक अत्यंत पर्यावरण अनुकूल रिजॉर्ट है। हमारे पास सभी प्रकार के पेड़ हैं, मुख्य रूप से फल के पेड़ और मौसमी फल जैसे चीकू, स्टार फ्रूट, कटहल। हमें शहतूत और चंदन के पेड़ भी मिले हैं। आप देख सकते हैं कि यह कावेरी के सामने है, इसलिए यह एक बेहद खूबसूरत जगह है जहाँ पर रिसोर्ट बनाया गया है। यह ऊपर से सफ़ेद रंग का है और अंदर काले रंग का है। ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है जो इन पक्षियों के समान है, लेकिन वे पक्षी सबसे ऊपर सफ़ेद और नीचे काले रंग के होते हैं और यह हमेशा हिलते रहते हैं। आपको हर जगह पे पूरी योजना बनानी होगी। इस तरह की जगह बनाने में आपको कम से कम 3 साल का समय लगेगा। अगर आप आसपास देखोगे तो यह एक हद तक बहुत ही शांत जगह है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बस आपके पास पक्षी है, मधुमक्खियां हैं और उस तरह की चीजें हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि ऐसी जगह आज के समय में मिलना मुश्किल है जहां आप बस थोड़ी देर के लिए आप खुद के साथ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये रिजॉर्ट के लिए विशेष बात है। सच्चाई तो ये है कि इको टूरिज्म सबसे कम पैसे में शुरू होने वाला बिजनेस है। आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की जरूरत है जो पर्यावरण को इंपॉर्टेंस देती है विद टूरिज्म एज द मेन फैक्टर। स्थानीय संस्कृति और लोगों की मदद से बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इको टूरिज्म को प्रमोट करने का अवसर तो है। सही कहा तुमने केतन, इको टूरिज्म से आप पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को अपने कल्चर, गांव, खाने से अवगत भी करा सकेंगे। तो सोच क्या रहे हो? ये एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है गाँव की औरतों लड़कियों के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें तो रिसर्च करें और पढ़िए ऐसे लोगों के बारे में जो ये अपने गांव में शुरू कर चुके हैं। अपने गांव के कई सारे लोगों को अपने इको टूरिज्म बिजनेस प्लान से जोड़िए, उनका रोजगार बढ़ाइए और गांव में नौकरी के अवसर पैदा कीजिए। आपको और प्रेरणा देने के लिए हमारे पास एक कहानी है, आलिया एंड द वॉन्डरिंग शूज, जो बताती है कि आलिया ने एक इको टूरिज्म एडवेंचर कैसे सेटअप किया। ऐसा तजुर्बा जो आपको बोध गया का शानदार अनुभव करवाती है। क्या आप कभी बोधगया गए हैं जहां गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था? माँ ने हमेशा कहा है कि अगर तुम अपने काम से प्यार करती हो एंड यू पुट योर एवरीथिंग टू इट, एक ऐसी शक्ति तुम्हें मिलती है जो कोई भी मुश्किल को आसान करती है। ला 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 ला, स्पेन, इटली, कंबोडिया, यूरोप, मैं आ रही हूँ विथ माई फ्लाइंग शूज। आलिया, हमेशा टूरिस्ट के साथ ही हो लड़की जैसी रहो। पिताजी आप नहीं समझेंगे।
इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या दोनों फूड और पानी खराब है? इट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी में फेंक दिया जाता है और यही सब हम पीते हैं। हमें इसकी जड़ में जाकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक ऐसी विलेज जो इतनी क्लीन है कि लोग इसे देखने आए हैं। हम भी अपने विलेज को ऐसा बनाएंगे। सब हंस रहे हैं माँ। ये तुम्हारा सपना है आलिया, तुझे फैसला लेना है। कोई हंसेगा तो मतलब यू विल स्टॉप ड्रीमिंग। सुनो सब, हमें फर्टिलाइजर्स बदलने पड़ेंगे। स्विच टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, टोटेमो यूई। वक्त है नदी से आगे पूरे विलेज को मजेदार बनाने का। चलो एक ओपन एम्फीथिएटर और बैम्बू टॉयलेट्स बनाते हैं और होटल रूम्स को भी डेकोरेट करते हैं। वी आर न्यू टू मोटरसाइकिल डायरीज विद आदिया। हमारे विलेज को हर ट्रैवलर के मैप में डालने के बाद हमारी इको ट्रैवल कंपनी के पास है ऑल वुमेन ट्रैवल गाइड्स की टीम और हमने सेल्फ क्लीनिंग सोलर टॉयलेट्स लगाए हैं विद सस्टेनेबल रहने की जगह और ऑर्गेनिक कैफेज। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने आप पर और अपने सपनों पर बिलीव करके दृढ़ निश्चय के साथ अपना सपना पूरा किया। ऐसी अद्भुत कहानी तो मतलब क्या बात है। मेरा कैमरा भी रेडी है कहीं पर जाने के लिए। वाह वाह, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इस कहानी को हाथ से पेंट किया है आर्टिस्ट मिथुन गोपी ने। इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मन लगाकर काम करें तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो वही भविष्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। एक कहानी आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। अगर आप इस वक्त स्टेकेशन में हो तो कहानी पढ़ना शुरू कर दो, बहुत अच्छी आदत है। मन कर रहा है मैं बाहर निकल जाऊं, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल ही जाऊं। खैर, इस ग्राफिक नॉवल प्रोजेक्ट में आपको पता लगाना होगा कि आपके गांव या उसके आसपास कोई इको टूरिज्म स्टार्टअप शुरू करने की संभावनाएं हैं क्या। ये पता करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक, आप पता लगाइए कि आपका शहर या गांव किस चीज के लिए जाना जाता है और वहां क्या उगता है। दो, इस जगह की खासियत क्या है, पास ही में कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है। और तीन, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो क्यों आते हैं और कहाँ रहते हैं। फिर अगर लोग आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं और कहाँ खाते हैं, वो कितने पैसे खर्च करते हैं और ऐसी कौन सी लोकल डिशेज हैं जो उन्हें हम दिखा सकते हैं, खिला सकते हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगर टूरिस्ट नहीं आते हैं तो कुछ अलग हट के सोचना होगा कि ऐसे में क्या प्रमोट करूं जिससे मेरे गांव या शहर में लोगों का घूमना आना शुरू हो जाए। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास एक सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्लान होना चाहिए और अलग सोचने की काबिलियत होनी चाहिए। फिर इसके बाद लोगों का इंटरव्यू लीजिए और पूछिए क्या वो टूरिस्टों के लिए अपना घर खोलेंगे फॉर होम स्टे, क्या वो उनको अपने घर बुलाएंगे चाय नाश्ता करने के लिए या फिर अपनी खेत में उनको घुमाएंगे। अगर उनका जवाब हाँ है तो वो कितने पैसे लेंगे इसका हिसाब किताब आपको नोट करना होगा। फिर क्या, प्रभु का नाम लेकर शुरू हो जाना है ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, वर्ड ऑफ माउथ एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लान, जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। अगर आपको अपने प्लान पे भरोसा है और लगता है कि ये पूरे गांव के लिए बड़ा अवसर है तो अपने प्लान का एक मिनट का वीडियो बनाकर हमें आपके स्क्रीन पर झलकते हुए फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल तक की है तो हम आपकी मदद करेंगे बिहार में एक नया उद्यम शुरू करने के लिए। हम आपके प्लान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और खाने का फोटो भी भेज दीजिएगा साथ में, क्योंकि मी आई एम अ प्राउड भुक्खड़, बेसिकली फूडी, यू नो। क्या प्राउड भुक्खड़, तुम देख के भूखी लगती हो, पूरी हड्डियां निकली हुई हर साइड से। अरे दैट्स माय एक्सरसाइज यार। इसको कहते हैं भुक्कड़। ये देखो, ये देखो, ये देखो, डबल चिन। ज्यादा नहीं है, कम करो थोड़ा। इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिजनेस करना कांटों से भरा रास्ता है। आपको हर मोड़ पर कुछ जरूरी फैसले लेने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक या नो प्लास्टिक, क्लीन एनर्जी और नॉट क्लीन, ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक, जो सबसे आखिर तक
टिक गया वही सिकंदर। सच्चाई से अपना काम करते रहो, फिर देखना वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है तुम्हारे स्टार्टअप के लिए। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम मत बता देना बस। यही तो वर्ड ऑफ माउथ है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बोलकर सबको बता देना। तुम सही बोल रही हो वैसे, क्योंकि पता है हमारे शो का सवालों के सिलसिले सेगमेंट बहुत पॉपुलर बन गया है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के कारण। बिल्कुल, मैं बिलीव कर सकती हूँ क्योंकि हमारे सवाल बहुत दिलचस्प होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले 500 कॉलर्स को मिलता है एक एक्साइटिंग ग्राफिक नॉवल। तुम्हारी कहाँ है? सेम ही होगी, शेयर कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा अच्छा, तो शुरू करते हैं हम हमारा सवालों के सिलसिले। ओके, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? ग्रेट, तो ध्यान से सुनिए, यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? फिर से, यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? अगला सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे? फिर से सुनो सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे है? और इसका इतना महत्व क्यों है, यानी कि इको टूरिज्म का इतना महत्व क्यों है? क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है, या एक तरह की कंपनी है, या उसी सेक्टर में कई और अन्य सेक्टर्स हैं? कंफ्यूजिंग लगा तो फिर से एक बार सवाल पूछो। क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है, या एक तरह की कंपनी है, या उसी सेक्टर में कई और अन्य सेक्टर्स हैं? इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज क्या हो सकते हैं? फिर से, इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए क्या कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज हो सकते हैं? बताइए ये सच है या झूठ? इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है। क्या इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है? सच या झूठ बताओ। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? और ये हुए आज के सवालों के सिलसिले। आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए, या फिर अपने फोन पर यस ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल। तो जल्दी अपना जवाब भेजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मैं हूं केतन सिंह। मैं काव्या सिदानी। चल झूठी कुत्ते की तरह हट आया है। हट। मत गया सोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। ठीक है, नहीं और या ना, फाइव मिनट्स। क्या? Okay, I'll call you back. Thank you. कैमरा चालू है। केदने, एक प्लीज एक काम करो ना। क्या? नीचे जाके, can you please get me some sanitary pads? I have to go on an urgent call. Please. ये क्या? ये क्या expression है? एक तो ये ना, ये जो periods का process है, ये बहुत natural process है। हर लड़की हर औरत के साथ होता है। तो इसका please ऐसे सारे filmy expressions लाके हवा बनाना बंद करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग इसको नॉर्मलाइज करें। तुमको पेट में दुखता है, तुम क्रोसिन ले आते हो ना? हाँ, सर में दुखता है ले आते हो ना? इन द सेम वे आई नीड सैनिटरी नैपकिंस। लेकिन प्लीज गो एंड गेट, प्लीज। क्रोसिन और वो ये मुद्दा जितनी जल्दी सब समझ जाए ना, उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम प्लीज जाओ, जाके लेके आओ और इको पैड्स लाना प्लीज। इको पैड्स क्या होता है? सब इधर ही बता दूं। हम डिस्कस करेंगे इको पैड्स को हमारे आने वाले शो में, जिसका नाम है द युवा उद्यम कौशल शो। मेरा नाम केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी। मैं लेके इको पैड्स। हाँ, थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हें संतुलित किस तरीके से किया जाएगा और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानते हुए कि आखिर रासायनिक समीकरण को लिखा किस तरीके से जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हर तत्व का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए हम O का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम के लिए हम Na का इस्तेमाल करते हैं और लिथियम के लिए हम Li का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हम इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रासायनिक समीकरण को संक्षेप बनाया जा सके। इससे पहले कि रासायनिक समीकरण लिखने का हम कोई उदाहरण देखें, कुछ नियम हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हम जितने भी अभिकारक होते हैं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं और जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। अगर अभिकारक या उत्पाद एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम उनके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब हम एक तीर का सिरा लगाते हैं जो हमें ये बताता है कि उत्पाद की दिशा क्या है और अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभिकारक प्लस अभिकारक हमें बता रहा है कि ये दोनों मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर दो उत्पाद हैं, इसलिए बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाया गया है। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें समीकरण लिखने में आसानी होगी। बात करते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से जल के निर्माण की। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम H2 का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और क्योंकि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं, इसलिए नीचे दो लगाया गया है। इसके साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं, तो हमें एक उत्पाद मिलता है जिसे हम जल कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर H2 और O2 जो हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने एक प्लस का चिन्ह लगाया है। फिर जो तीर का सिरा है वो हमें उत्पाद की दिशा बता रहा है, जहाँ पर H2O जो है वो हमारा उत्पाद है। अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम संतुलन की बात करेंगे। ज़रा उसी समीकरण को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप तीर के निशान की दोनों ओर के जो तत्वों के परमाणु की संख्या है उन्हें गिनेंगे और तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बराबर नहीं है। चलिए गिन के देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जहाँ पर दाईं तरफ और बाईं तरफ अणुओं की संख्या दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के दो अणु हैं, पर दाईं तरफ की बात करें तो हाइड्रोजन के तो दो अणु हैं पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक अणु है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं होते उन्हें कहा जाता है कंकाली समीकरण। तो अब सवाल ये आता है कि संतुलित नहीं है तो दिक्कत क्या है? आखिर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका जो उत्तर है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कैसे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश। अब अगर इस समीकरण को दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि जो अभिकारक हैं उनमें एक ऑक्सीजन का अणु ज़्यादा है और जो उत्पाद है उसमें ऑक्सीजन का एक अणु कम है। तो यहाँ पर अगर ये समीकरण सही होता तो इसके अनुसार ऑक्सीजन के एक अणु का विनाश हो गया है, परंतु द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है
कि अणु का विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा ये समीकरण है वो गलत हो जाता है। तो एक बात तो साफ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समीकरण सही हो तो उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा समीकरण संतुलित नहीं होगा और वो गलत होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें संतुलित किया कैसे जाएगा। उदाहरण में वही समीकरण लेते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समीकरण को बराबर करना है तो H2O की जगह H2O2 लगा देते हैं, समीकरण बराबर हो जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो तत्व हैं उनके रासायनिक सूत्रों को नहीं बदला जा सकता। तो आखिर अब बराबर किया कैसे जाएगा? हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को संख्याओं से गुना करके इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम दाईं और बाईं ओर के तत्वों की गणना करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के दो अणु हैं, वहीं दाईं तरफ हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है। तो अगर दाईं तरफ के समीकरण को हम दो से गुना कर दें तो ऑक्सीजन के अणु बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम जो दाईं तरफ समीकरण लिखा है उसे दो से गुना करेंगे। अब इससे क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन के अणु तो बराबर हो गए, परंतु हमने दो से गुना किया है तो वो पूरी समीकरण से गुना होगा। तो O का दो हो जाएगा, परंतु जो हाइड्रोजन पहले से दो है अब वो चार हो जाएंगे। तो अब ऑक्सीजन तो बराबर हो चुका है परंतु हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के दो अणु हैं और दाईं तरफ चार। तो बाईं तरफ के समीकरण में हाइड्रोजन को दो से गुना करने पे समीकरण बराबर होता हुआ दिखता है। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम बाईं तरफ में जो हाइड्रोजन है उसको दो से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि बाईं तरफ हाइड्रोजन के चार अणु हो जाएंगे। अब आप देखें तो समीकरण बराबर हो चुका है, क्योंकि समीकरण की तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। और जो हमारा संतुलित समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, 2H2 plus O2, जिससे हमें मिलता है 2H2O। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा और फिर हमने जाना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है और इसका महत्व क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संतुलन की, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है कृषि। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस अध्याय में हम भारतीय कृषि के बारे में जानते हुए भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि भूमि उपयोग, शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएँ और गरीबों के उत्थान की योजनाएं इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिल जाता है। इसके अलावा हिमालयों से
निकलने वाली सतवाहिनी नदियों में ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से वर्ष भर जल रहता है, अर्थात इन नदियों को सदा नीरा नदियां भी कहा जाता है। साथ ही मानसूनी वर्षा भी भूमिगत जल और सतही जल का पुनः भरण करती है। भारत की कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपहार है। दोस्तों, मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। अधिकांश भागों में 3 से 4 महीने तक ही बारिश होती है और वह भी असमान और अनियमित। इस कारण अधिकांश क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्रों में ही साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा होती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। दोस्तों, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। आइए भारत में कृषि के महत्व को समझते हैं। कृषि भारत के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कच्चे माल के लिए भी कृषि उत्पादों की जरूरत होती है, जैसे कपास, गन्ना, जूट इत्यादि। इसके अलावा कृषि का आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में कृषि भूमि उपयोग की। दोस्तों, कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह कृषि पूरी तरह भूमि पर ही निर्भर है। इसलिए गांव में भूमिहीन और गरीबों के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है, अर्थात जो भूमिहीन हैं वही अधिकांश गरीब हैं। दोस्तों, फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी व्यापक महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग, परिवहन और आवास, इनके लिए भूमि की गुणवत्ता ज़्यादा महत्व नहीं रखती। ये बंजर और ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, स्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कर्ज के लिए इसे गिरवी भी रखा जा सकता है। इसके अलावा भूमिहीन इन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू परती भूमि, अन्य परती और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जनसंख्या के बढ़ने से कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। पहला है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि और दूसरा है शस्य गहनता कृषि। शस्य गहनता कृषि का मतलब है जब हम एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उसे शस्य गहनता कहते हैं। दोस्तों, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं तथा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। तो चलिए शुष्क भूमि कृषि की विशेषताओं को समझते हैं। दोस्तों, शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता रहता है। इस प्रकार की भूमि पर अधिकांशतः गरीब किसान खेती करते हैं। यहाँ पर वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सरकार ने ग्रामीण किसानों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम तथा नरेगा आदि कार्यक्रमों को
चलाया है। किसी की नई तकनीकों और उत्तम किस्म के बीजों की व्यवस्था की जा रही है। पशुपालन और मुर्गी पालन को भी कृषि सहायक कार्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि भूमि उपयोग, शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं और गरीबों के उत्थान की योजनाएं इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम कृषि के प्रकार, फसल प्रारूप और भारत की मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, भारत में कितनी भूमि में साल में दो से अधिक फसल उगाई जाती है? 25%, 30%, 15%, 40%। हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? धौलानीरा, सदानीरा, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। 75% सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है, इस भूमि में अधिकांश गरीब किसान खेती करते हैं, उपरोक्त सभी। कृषि योग्य भूमि में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू पड़ती भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इनके सही उत्तर हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स, वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIEF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ।
महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपनी नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा, तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ तीन काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतों ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है। है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कॉम्पिटिशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा 9 प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1,00,000 नए विचारों अथवा 9 प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को ₹10,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कॉम्पिटिशन क्या होता है? इस कॉम्पिटिशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाओ टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है?
मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।